दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। उपमंडल पच्छाद के मुख्यालय सराहा में स्थित राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला सराहा न केवल हिमाचल बल्कि देश के चुनिंदा सरकारी स्कूलों में से एक है, जहां विद्यार्थियों को शिक्षण देने के लिए खेल खेल में व गतिविधि आधारित शिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है। यहां पर वेस्ट मटेरियल से बना गणित वृक्ष, गणित की चक्की, अंडे देने वाली मुर्गी व दूध देती गाय बच्चों को सीखने के लिए अपनी तरफ आकर्षित करती है। यहां पर वेस्ट मटेरियल से बने TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल की खासियत ये है कि यह कागज पर ना बनकर स्थायी मटेरियल से बना है। बच्चों की हिचकिचाहट को दूर करने के लिए व उनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को विकसित करने के लिए शेडो प्रैक्टिस व शेडो वीनक की अवधारणा बहुत प्रभावशाली है। बच्चों के व्यक्तित्व विकास व आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कॉन्फ्रेंस टेबल भी बनाया गया है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाने के लिए विद्यालय में बनी एक साइंस लैब भी पाठशाला को अन्य पाठशालाओं से भिन्न बनाती है। छोटा सा बोटानिकल गार्डन और सजावटी फूल भी सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। छोटी छोटी चीजें जिन्हें हम व्यर्थ समझकर फेंक देते हैं, उनसे पाठशाला के बरामदे व दीवारों को खूब सुसज्जित किया गया है। वहीं इस विद्यालय से गत वर्ष 4 छात्राओं ने नवोदय की परीक्षा उत्तीर्ण की, जबकि इस वर्ष अभी तक एक विद्यार्थी का चयन सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा के लिए हुआ है। आज हमारे बीच राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय सराहा के प्राध्यापक शिशुपाल भारद्वाज जी हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है, ये राजकीय प्राथमिक कन्या पाठशाला दिन प्रतिदिन शिक्षा के क्षेत्र में नए नए आयाम हासिल कर रहा है। जो नई नई टेक्निक्स जो है, ये स्टूडेंट्स लर्निंग जो प्रोसेस है उसके लिए इस्तेमाल कर रहा है। आज हमारे बीच विद्यालय के अध्यापक शिशुपाल भारद्वाज जी हैं। आइए जानते हैं हम इनसे कि ये कैसे विद्यालय में काम कर रहे हैं और जीरो बेस्ड बजट है आपका, नवाचार है, वेस्ट मटेरियल है, उसको कैसे यूटिलाइज करके ये बच्चों को नई नई टेक्निक से ज्ञान प्रदान यहाँ कर रहे हैं। तो शिशुपाल जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत तो बताइए हमें, आप ये जो वेस्ट मटेरियल का कैसे यूज कर रहे हैं? शिक्षा विभाग द्वारा हमारी बहुत सारी वर्कशॉप होती है, हर साल होती है, और उसमें वेस्ट मटेरियल को लेकर बच्चों तक टीचिंग लर्निंग मटेरियल के माध्यम से किस तरह से शिक्षा को के जो कॉन्सेप्ट है उनको सरल बनाया जाए, रोचक बनाया जाए, उसके लिए हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करते हैं। और इसके लिए हमारे पास जितने भी लकड़ी के, लोहे के, कहीं भी जो है अनुपयोगी जो सामान होता है या वेस्ट मटेरियल होता है, उससे हम कुछ ना कुछ बनाकर जो है कोशिश करते हैं कि बच्चों के लिए शिक्षा जो है उनके लिए इंटरेस्टिंग भी हो, उनका इंटरेस्ट भी हो, रुचिपूर्ण हो, और उनके लिए वो उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से ईजी भी हो, आसान भी हो, ये हमारा। हमने सुना है आपने यहाँ गणित चक्की भी बनाई है और एक ड्रिल भी है आपका, तो क्या दिखाएंगे? हम आपको गणित वृक्ष के बारे में बताते हैं। ये हमारे पास जितना भी वेस्ट मटेरियल था लोहे का थोड़ा बहुत, तो उससे संबंधित हमने बच्चों को इसमें जो है गिनती का कॉन्सेप्ट दे दिया, 1, 2, 3, 4, एक फूल है तो एक मैथमेटिक्स में एक को कैसे लिखा जाता है, 2 तो 2, उसके बाद इसने फ्रैक्शन का दे दिया, उसके बाद बच्चों को बताया कि 1 पत्ता है, प्लस बेटा 2 पत्ते हो गए तो बराबर कितने, 3 पत्ते हो गए, 3 में फिर प्लस 2 पत्ते जोड़िए तो कितने पत्ते हो गए, फिर हमने गणित का विषय को सब किया। ये कॉन्फ्रेंस टेबल भी आपका? हाँ। चक्की के बारे में भी वर्णन किया गया था, तो क्या आप बताएंगे कि ये गणित चक्की कैसे आपकी फंक्शन कर रही है? हाँ, इसमें जो है ये चक्की इस तरह से चलती रहती है और इसमें काउंटिंग लिखी है काफ़ी ज़्यादा जो है 100 तक 200 तक भी, और इसमें जितने काउंटिंग लिखे उतने बॉल बच्चा सिलेक्ट करता है कि 7 है तो 7 बच्चा, 7 इसमें कहाँ है तो रिलेट करता है कि 7 ये है, यहाँ 7 ये है, तो बच्चे खेल खेल में, क्योंकि एजुकेशन के अंदर प्ले में मेथड भी एक बड़ा महत्वपूर्ण रहता है हमारे प्राथमिक स्तर पर, तो खेल खेल में बच्चा कैसे, तो ये जो मटेरियल थोड़ा बहुत बचा था उसे हमने किए गणित चक्की तैयार की है। और एक अंडे देने वाली मुर्गी के बारे में भी कुछ बताइए। इसमें भी बच्चा गिनती का ही कॉन्सेप्ट है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं कि बेटा ये कितने हैं, 4, तो बच्चे गाते भी है कि मोटी मुर्गी कुकड़ू को 4 अंडे दे दे तू, ठीक है, फिर वो 4 बच्चे जो है इसमें डालते हैं और फिर इसको भी बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। इसी तरह से लकड़ी के छोटे छोटे ब्लॉक्स है जिसमें आपके अपोजिट वर्ड भी है, जिसमें सब्जियों के नाम है, उसके बाद फ्रूट्स के नाम है, जैसे कि मान कि बच्चे ने देख लिया कि शॉर्ट है, छोटी सी सीढ़ी है और यहाँ पर बड़ी सीढ़ी है, तो लॉन्ग और शॉर्ट, तो शब्द भी है, वर्ड्स भी है, और साथ में
लॉन्ग और शॉर्ट होता क्या वो भी बच्चा सीख रहा है। इसकी विशेषता यह है कि ये मटेरियल जितना भी है वो टिकाऊ भी है, कागज के ऊपर नहीं बना है ताकि काफी लंबे समय तक चल पड़ता है, तो वो भी एक इसकी एक विशेषता है। शैडो प्रैक्टिस के बारे में, बच्चों के अंदर कई बार एक समस्या होती है, बाय बर्थ भी होती है, कि बच्चा हकलाता है, ठीक है। और ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि जो ये हकलाने की राखी होती है ये कई बार, अगर जो बार बार हम शैडो प्रैक्टिस करते हैं उससे समस्या दूर हो जाती है। और ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चों के इस तरह की समस्या का निदान किया है। बच्चा जब आई कनेक्ट करके अपनी आंखों में आंखें मिला के बोलता है, चाहे वो हम बच्चों को जैसे प्रार्थना है, शपथ है, या छोटी छोटी ऐसे है, एप्लीकेशन है, उससे बच्चे की जो ये समस्या है, जो बच्चा जो है हकलाता है, ये दूर हो जाती है और कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ता है। तो ये एक शैडो प्रैक्टिस का हमने इसको नाम दिया है। और उसके बाद जो शैडोइंग है, ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल, पहले बच्चा सुनेगा, उसकी जो लिसनिंग स्किल है उसके बाद उसको बोलेगा। तो इसमें एक स्पीकर है, इसके अंदर जो है एक हम चला देते हैं कि वॉन्स देर वाज़ करो, तो उसके अंदर जो है बच्चा का शब्दों का प्रोनंसिएशन भी सीखता है और उसके बाद उसको सुनता है फिर रिपीट करता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये होता है और इसको शैडोइंग कहा जाता है। भागवत जी, एनसीईआरटी और शिक्षा विभाग द्वारा जो है एक गाइडलाइंस आई थी जिसमें कि लोकल लैंग्वेज में जो है जो आपके शैक्षणिक मटेरियल है उसको आप जो है लोकगीतों के माध्यम से जो है बच्चों को या उनके पेरेंट्स को समझा सके, तो इसके लिए भी आपने कुछ काम किया है, तो क्या आप बताएंगे कि क्या कुछ इसमें है? एलिमेंट्री एजुकेशन तक जो है एक ऐसा प्रयास है कि जो कॉन्सेप्ट एजुकेशन के उसको वहाँ की जो स्थानीय भाषा है, बोली है, उसके अंदर बच्चों तक अगर डिलीवर किया जाए ताकि बच्चों के लिए एजुकेशन के जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सरल हो जाए। तो हमने प्रयास किया, जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी भाषा बोली है हमारी, तो मैंने एक प्रयास किया कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, निस्म्यादि बोधक, इसको जो है लयबद्ध करके और लिखा है। और हम धन्यवादी है अरुण आर्यन जी है हमारे राजदरबार गायक है, जिन्होंने अपनी मधुर वाणी से जो इसको और लोकप्रिय बनाया है। यानी कि गीत जो है शिशु भारद्वाज ने लिखा है और इसको स्वरों का रूप दिया है अरुण आर्यन जी, जो कि म्यूजिक में शायद पीएचडी कर रहे हैं। और तो क्या आप एक दो बोल हमारे दर्शकों को सुनाएंगे? हमने इसमें ये भी प्रयास किया कि जो सरकार जो बच्चों को फैसिलिटी देती है फ्री, जैसे मुफ्त वर्दी भी है, किताबें हैं, उसका भी थोड़ा सा हमने गुणगान करने की कोशिश की है। तो सुनाएंगे आप कुछ? मैं तो गायक नहीं हूँ, अरुण जी है, लेकिन फिर भी जो कोशिश करता हूँ कि वो दो लाइनें आपको सुना देता हूँ। स्कूल पढ़ दे चले हो, हंस खेल दे जाना, मुफ्त वर्दी साथी किताबे, मुफ्त वर्दी साथी किताबे, और दिनों रखना हो, बस खेलते जाना। बहुत अच्छा है माधवा जी, अब फ्यूचर में भी आप अच्छा करें, इसी इन्हीं प्रोजेक्ट पे काम करते रहें, ऐसी हमारी कामना है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों के बोलने की जो उनकी जो स्पीकिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो, उनका पर्सनलिटी डेवलपमेंट हो, उनका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, इसके लिए हमने एसएमसी की सहायता से ये एक कॉन्फ्रेंस टेबल बच्चे को बनाया ताकि उनको बैठना है, बात करना है आपस में, छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर उनके साथ हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, तो बच्चों को इससे भी बड़ा लाभ मिलता है। बहुत अच्छा है आपका कॉन्फ्रेंस दे रही है, ये आपने दिखाया। ये भी हमारे पास लगभग बेस्ट मटेरियल था, इसमें हमने फ्लैक्स एक गाय का जो है इसको पेस्ट कर दिया, इसमें बच्चे खुश होते हैं कि गाय उनको दूध देते हुए दिख रही, बाकी तो हम चीज़ें बता देते हैं कि चार टांगे, छोटे छोटे नर्सरी के जी के बच्चे हैं तो वो बड़े खुश होते हैं जब उनको दिखता कि हमारी गाय दूध दे रही है, ठीक है। तो इसको भी हमने थोड़ा सा जब आपने गाय का डिस्क्रिप्शन उनको करना है, हाँ, तो इस मॉडल के माध्यम से आप उसको बताते हैं कि इसके दो कान है, टांगे हैं और ये दूध भी देती है। तो जब हम इसको एक्सेप्ट कराते हैं कि दूध भी देते हैं तो बड़े बच्चे खुश होते हैं, हमारी गाय दूध देती है। थैंक यू। पाठशाला के सौंदर्यीकरण के लिए इसका उपयोग किया है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सराहा से संजय राजन की रिपोर्ट।